वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान का फैसला आने दें, उसके बाद सियासी हिकमत अमली बनाई जा सकती है। पीटीआई के कुछ लोग रबते में हैं, पंजाब केपी में कुछ लोग असम्बलियों की तहलील नहीं चाहते। अगर हमारी कोई हिकमत अमली है तो वो मैं मीडिया पर नहीं बताऊंगा। मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। उनका फैसला सामने आने दें, उसके बाद ही कमेंट कर सकते हैं या जो भी स्ट्रेटजी जो है उसके बाद ही बनाई जा सकती है। अभी उनका हतमी फैसला जो है मेरे एक दो रोज़ में कोई उन्होंने कहा हुआ है कि जुमे तक आ जाएगा, तो उसके बाद ये उससे पहले क्या मैं पेशन गोई कर सकता हूँ। या वो अगर कुछ स्ट्रेटजी हमारी है तो वो मैं मीडिया पर तो नहीं बताऊँगा। कुछ हैं रबते में, पंजाब में भी हैं और इस तरह केपी में भी लोग नहीं चाहते कि फैमिलियाँ टूटें। उससे ये एक बहुत बड़ी एनोमली क्रिएट हो जाएगी कि दो असम्बलियाँ जो है ना वो जो मुकर्रा मुद्दत जो होती है कि सारी असम्बलियों के सामने इलेक्शन इकट्ठे हों, उनके ऊपर वो दो असम्बलियाँ जो है ना वो शामिल नहीं हो सकेंगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ज़मीनी इंतखाबात और चीज़ें फिर वो शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब होता, लेकिन अगर पूरी की पूरी असम्बली जो है डिसॉल्व होती है तो उसको नए इंतखाब से नई लीज मिलती है 5 साल की, तो अगले इलेक्शन में जो है ना वो बाकी असम्बलियों के साथ उनके इंतखाब नहीं हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक नॉर्मली क्रिएट हो गई जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात डाली गई थी, तो यही सोच समझ के डाली गई थी कि असम्बलियों के एक वक्त पे हों और इंटरिम गवर्नमेंट्स हों।